हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि टच पोटेंशियल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, जो लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं उनमें से मात्र 7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि टच पोटेंशियल क्या होता है। फ्रेंड, टच पोटेंशियल, आप लोगों को इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि टच के वजह से जो पोटेंशियल बनता है उसको अपन बोलेंगे टच पोटेंशियल। तो देखिए, ये जो फोटो है इसमें देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। मान लो कभी ये कंडक्टर अगर टूट के अगर गिर गया, कहाँ पर गिर गया, मान लो इसी पोल में गिर गया, ठीक है। अब मान लो इस पोल में गिर गया तो यहाँ से क्या होगा, और ये पोल हमेशा क्या होता है, ग्राउंड होता है, इसमें अर्थिंग होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपना जो करंट है वो सीधा कहाँ आ जाएगा, अर्थ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कभी कोई बंदा इस वाली फॉल्टी वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ये जो लाइन है जो इस पर गिर गई है, ठीक है, इस टावर में, तो उस टाइम अगर, ठीक है, ये बंदा अगर इस टावर को अगर टच कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस बंदे को भी करंट लग जाएगा, इसको भी मोक्ष मिल सकता है। और क्यों मिल सकता है, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये तो शूज़ पहना होगा, ठीक है, शूज़ की वजह से इसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, केवी में जो वोल्टेज होगा, अगर उसमें अगर शूज़ भी अगर बंदा पहना होगा तो उसको कुछ ना कुछ करंट लगेगा, ठीक है। इसीलिए जब ये बंदा जैसे ही इसको टच करेगा तो इसको शॉक लग सकता है, चाहे वो शूज़ पहना हो या शूज़ नहीं पहना हो, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ करंट लगेगा। और इतना करंट तो लग ही जाएगा क्योंकि हाई ट्रांसमिशन लाइन है ये, ठीक है, हाई वोल्टेज की, तो इसकी भी मौत हो सकती है, चाहे ये शूज़ पहना हो ये शूज़ नहीं पहना हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टच पोटेंशियल आ रहा है क्योंकि इस बंदे ने इसको टच कर दिया है, इसके वजह से इसको शॉक लग रहा है, ठीक है। इसी को अपन बोलेंगे टच पोटेंशियल। अब बात यह आ जाती है कि टच पोटेंशियल अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई तो अपन को क्या प्रिकॉशन लेना है। फ्रेंड्स, प्रिकॉशन कुछ नहीं है, प्रिकॉशन बस इतना लेना है अपन को, इसमें अपन को टेस्टेड ग्लव्स यूज करना है जो अपने सेफ्टी पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, और वो जो ग्लव्स हैं वो टेस्टेड ही होने चाहिए, ठीक है, तभी अपन को यहाँ पर वर्क करना है, तभी अपन को इस टावर को टच करना है। फ्रेंड्स, टावर में इसीलिए बोल रहा हूँ, ये कंडीशन कहीं पर भी आ सकती है, अपने पैनल वगैरह में भी आ सकती है, तब भी अगर अपन को कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई पैनल वगैरह में, तब भी अपन को ग्लव्स पहन के ही काम करना है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होते हैं तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोगों को राइट हैंड साइड में जो आई बटन है ना, वहां पर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अब बात हो गई, ये तो बात हो गई टच पोटेंशियल की। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टेप पोटेंशियल का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको राइट हैंड साइड में जो आई बटन है ना, वहाँ पर भी आप लोगों को स्टेप पोटेंशियल वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आजकल बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। एक कैमरे का यूज़ होता है, उस कैमरे में यानी फॉल्ट आने के पहले ही वो कैमरा बता देता है कि भाई फॉल्ट आने वाला है, तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोगों को उसका भी वीडियो राइट हैंड साइड में जो आई बटन है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि टच पोटेंशियल क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड, ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसमें मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करके रखे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।